बिल्कुल बिल्कुल गरम भरे कि सादा भरे, गरम भरे या सादा, गरम है ना, इसमें सादा भर दीजिए। किलो का है आवाज आ रही है बेटा? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 10। एक बार नॉर्मली पढ़ के देखो, द करियर पावर ऑफ मल्टीटोन। ठीक, यहाँ पे जो नया है वो ये क्या है, अभी तक जितने भी हम लोगों ने मॉड्यूलेशन सिस्टम देखे, जब हमने कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था, ठीक, तो उसमें हमने सिंगल टोन देखा। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, मल्टी टोन एएम सिस्टम। ठीक है, मल्टी टोन एएम सिस्टम में करियर की पावर कितनी दी हुई है, 400 किलो वाट एंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस आर 0.4 एंड 0.5। ठीक, इन जनरल जब हम लोग सिंगल टोन मॉड्यूलेशन सिस्टम देखते थे तो उसमें क्या होता था, एक ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिखाई देता था। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन देखते थे तो वहां पे सिंगल मॉड्यूलेशन दिखाई देता था, और यहाँ पे ये दो तुमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिखाई देगा। ठीक, तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, कि मतलब जब ये दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो यूज हो रहे हैं, दो बार मॉड्यूलेशन हो रहा है किसी ओशन वेव सिग्नल का, या उसके डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस का इफेक्ट आ रहा है, तो उस केस में ओवरऑल अगर हम इस पूरी मॉड्यूलेटर को एक साथ देखें तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, टोटल पावर एंड पावर एंड साइलेंस। हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है कि ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, टोटल पावर कितनी होगी एंड पावर एंड साइलेंस। थोड़ा सा ये समझते हैं कि भाई मल्टी टोन मॉड्यूलेशन और सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक, हमने जब भी अभी तक मॉड्यूलेशन किया उसमें हमने मैसेज सिग्नल जो लिया था कुछ इस फॉर्म में लिया था, एम कॉस ओमेगा एम। ठीक, मे बी अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल इस फॉर्म में कॉस ओमेगा एम वन टी प्लस एम टू cos omega m2t plus m3 cos omega m3t and so on। तो दोनों ही मैसेज सिग्नल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एक ही कंपोनेंट अवेलेबल है। ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे जो कंपोनेंट अवेलेबल है मैसेज के, उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी है ना, तो इस तरह से कई सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। तो ऐसे मैसेज सिग्नल जिसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल हो, उनका जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराओगे तो वो मॉड्यूलेशन क्या कहलाएगा, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। ठीक, और ऐसे सिग्नल क्या कहलाएंगे, मल्टीटोन सिग्नल। क्लियर नाउ, आप देखो जब ये मल्टीटोन सिग्नल का जब मॉड्यूलेशन कराओगे तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा एक म्यू, वो भी डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो भी डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक, तो मे बी इसके लिए म्यू वन दिखाई दे रहा है, ये म्यू टू से मॉड्यूलेशन इंडेक्स से मॉड्यूलेट हो रहा है, ये म्यू थ्री से मॉड्यूलेट हो रहा है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी मिलेंगे। तो मल्टीटोन मॉड्यूलेशन में फर्स्ट थिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के कंपोनेंट होते हैं, जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी उतने नंबर ऑफ म्यू एग्जिस्ट करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ साइड बैंड एग्जिस्ट करेंगे, जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी उतने ही साइड बैंड एग्जिस्ट करेंगे। मीनिंग अभी तक जो हम लोग बना रहे थे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाते थे मॉड्यूलेटर सिग्नल का, एएम मॉड्यूलेटर सिग्नल, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, यहाँ पे अपर साइड बैंड होता था, इधर लोअर साइड बैंड होता था, दोनों को अगर एक साथ देखें तो हमें एक ही साइड बैंड मिला। ठीक है, आधा ये जिसको हम लोअर साइड बैंड बोलते हैं और आधा ये जिसको हम अपर साइड बैंड, और बीच में यहाँ पे एक इम्पल्स सिग्नल दिखाई देता था जिसको हम जो बेसिकली करियर सिग्नल की वजह से आता था। ठीक, नेगेटिव वाला हम उस तरह नेगेटिव वाले को हम फिजिकली नहीं देखते हैं क्योंकि ये तो फिजिकली नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, और इन केस मोर देन वन फ्रीक्वेंसी होती है,
वैसे एग्जांपल में हम लोग मल्टीटोन मॉड्यूलेशन देखते हैं। देखो हमें पता है कि जो तुम्हारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका क्या होता है, एसी वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी। नाउ अब इस एम टी की जगह पर एक मल्टीटोन सिग्नल ले लो, लेट्स से एम वन कॉस टू पाई एफ एम वन टी प्लस एम टू कॉस टू पाई एफ एम टू कॉस टू पाई एफ सी। ना अब इसको जब ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस के ए एम वन कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम वन। ठीक है, इसको खोलने के इसको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लग रहा है, प्लस के ए एम टू सॉरी एम वन कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम, ये एफ एम वन एफ एम वन प्लस के ए एम टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टू टी प्लस के एम टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टू। देखो तो ये हो गया करियर सिग्नल, ये देखो ये क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से एग्जिस्ट करने वाला अपर साइड बैंड, यानी इसको क्या बोलेंगे अपर साइड बैंड वन। इसी तरह से ये क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से एग्जिस्ट करने वाला लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड वन। ये क्या है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी की वजह से एग्जिस्ट करने वाला अपर साइड बैंड, दिस इज अपर लोअर साइड बैंड। ठीक, सिंपली हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई देखो मल्टीटोन सिग्नल वो जिसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब जब मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी तो मोर देन वन मॉड्यूलेशन इंडेक्स एग्जिस्ट करेंगे एंड मोर देन वन साइड बैंड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, उसको समझने के लिए हमने सिंपल एक मल्टीटोन सिग्नल लिया, एम वन कॉस टू पाई एफ एम वन टी एम टू कॉस टू पाई एफ एम टू टी। ठीक, एम टी की जगह उसको पुट किया, देन उसको हमने ओपन किया है। ठीक, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए एम वन कॉस टू पाई एफ एम वन टी टू कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी सी के एम टू कॉस टू पाई एफ एम टू टी कॉस टू पाई एफ सी टी। हमने ये टर्म बीच में स्किप किया था, हमने डायरेक्टली ही ये कॉस ए इंटू कॉस बी लिखा हुआ था, उसको हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक कर दिया था। ठीक, अब फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि भाई देखो जितने प्लस वाले हैं वो अपर साइड बैंड है यहाँ पे, तो ये हो गया सेकंड फ्रीक्वेंसी की वजह से अपर साइड बैंड, और ये क्या हो गया फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वजह से अपर साइड बैंड, ये क्या हो गया फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का लोअर साइड बैंड, और ये हो गया सेकेंड फ्रीक्वेंसी का लोअर साइड बैंड। अब इसका अगर तुम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
क्या होगा एफ सी, ये हो गया एफ सी प्लस एफ एम वन, एफ सी प्लस एफ एम टू, एफ सी प्लस सॉरी एफ सी माइनस एफ एम वन, ये क्या हुआ एफ सी माइनस एफ एम टू। ठीक, इसी का रिप्लिका यहाँ पे भी दिखाई देगा। ठीक है, वो रिप्लिका यहाँ नहीं बना रहे, सेम इसी का रिप्लिका यहाँ पे दिखाई देगा। ये है तुम्हारा करियर सिग्नल, ठीक, ये तुम्हारा अपर साइड बैंड वन, अपर साइड बैंड टू, लोअर साइड बैंड वन, लोअर साइड बैंड टू। तो इस तरीके से तुम्हारा स्पेक्ट्रम भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक ना, अब देखते हैं अगर इसकी हमें पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस तरह से मल्टी टोन मॉड्यूलेशन सिस्टम की पावर फाइंड आउट करनी हो तो हमारी अप्रोच क्या होगी, भाई टोटल पावर हमें पता है पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एक चीज और पहले देख लेते हैं उसके बाद पावर पे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं, थोड़ा समझना इजी होगा। देखो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जैसे तुम्हें म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री एंड सो ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है। ठीक, डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स से मॉड्यूलेट हो रहा है, तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू जो होगा वो होगा अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर एंड सो। ये तुम्हारा ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा जब तुम्हें डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन। नाउ अब अगर पावर की बात करें, ठीक है, तो पावर के केस में अब देखो जब हम बात करते हैं अगर इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है PC प्लस PC म्यू स्क्वायर बाई टू, ये होती है तुम्हारी करियर पावर। ठीक, ये होती है तुम्हारी साइड बैंड की पावर। ना अब इस म्यू की जगह पे ये इक्वेशन अगर हम पुट करते हैं, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर एंड सो बाय टू, हमने सिंपल म्यू स्क्वायर की जगह पे इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। ठीक, हमने मान के चला है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्योंकि मल्टी टोन मॉड्यूलेशन है और उसमें कई सारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक्सिस्ट कर रहे हैं। तो देखो पी सी प्लस पी सी म्यू वन स्क्वायर बाई टू प्लस पी सी म्यू टू स्क्वायर बाई टू प्लस पी सी म्यू थ्री स्क्वायर बाई टू एंड सो। तो ये क्या हो गया करियर सिग्नल, करियर की पावर, साइड बैंड वन की पावर, साइड बैंड टू, साइड बैंड थ्री, ऐसे जितने मॉड्यूलेशन होंगे जितनी फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही होंगी उतने ही तुमको साइड बैंड मिलते रहेंगे, उनकी पूरी पावर तुम यहाँ से निकाल सकते हो और इसके अंदर एक एलएसबी एक यूएसबी होगा तो वो पावर आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, आधी पावर इसमें चली जाएगी, आधी पावर मतलब आधी पावर यूएसबी की और आधी पावर एलएसबी। अपने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि भाई ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताओ, तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स एकदम सिंपल म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कितना आ रहा है
कितना आ रहा है ये? 0.72। हाँ बेटा 0.72। 0.72। बाकी yes, लोग इससे 0.7211। 0.7211। और किसी का कुछ डिफरेंट भी आ रहा है? सिद्धार्थ वन वन थ्री यस सर कितना आ रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ओवरऑल? तो जिन लोगों का 0.72 आ रहा है वो एक बार कैलकुलेशन चेक करें। कितना आ रहा है? एक मिनट बता रहे सर। अभी तो अभी तक क्या कर रहे थे बेटा? 0.72 ही आ गए थे वही कैलकुलेशन में। सर 0.721 ही आ रहा है। सर 0.72 ही आ रहा है क्योंकि 0.16 यही आ रहा है। ठीक है। ये यहाँ पे एक्चुअल में गिवन जो है वो यहाँ पे 0.5 सर वहाँ 5 हाँ ये 0.5 यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे 0.6 लिख दिया। दैट इज व्हाई 0.72 नहीं। सर अब 0.64 आ जाएगा। 0.64 यस सर। ना अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल पावर। टोटल पावर देखो हमेशा चाहे तुम्हें मल्टी टोन में निकालनी है या सिंगल टोन में निकालनी है, टोटल पावर के लिए कोई और दूसरी तरफ नहीं देखना। 1 plus mu square by 2 सिंपल। बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? म्यू यहाँ पे ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। ठीक 400 × 10³ 1 plus 0.64 × 2 का कितना आ रहा? 400 समथिंग कुछ आ रहा होगा। 4.81 × 10⁵ समथिंग भी होगा ना बेटा, इसके बाद भी कोई डिजिट होगी 1 के बाद। 920 हाँ बेटा 9 हाँ 481.9 × 10³। हम इसको किलो वॉट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं बस, इसलिए हमने एक डिजिट और ले ली। ठीक है और अप्रोक्सीमेट लिखते हैं तो ये 482 किलो वॉट हो जाता है। ठीक है अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन में तुमसे दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया? पावर इन साइड बैंड। ठीक यहाँ तुमसे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंडिविजुअल साइड बैंड की अलग अलग पावर तुमको फाइंड आउट करनी, तो उसके लिए तुम सिंपली तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। भाई पावर इन साइड बैंड पूछा है तो वो क्या हो जाएगी? टोटल पावर माइनस
फैक्टोरियल पावर दैट इज 82 किलोवाट है ना। सिंपल हमने टोटल पावर यानी जो हमने निकाली 482 और कैरियर पावर जो यूज हो रही थी 400 तो वो हो गया 82। बट अगर यहाँ पे तुमसे क्लियरली कह देता कि इंडिविजुअल साइड बैंड की अलग अलग पावर फाइंड आउट करो, ठीक, मीनिंग साइड बैंड वन की पावर फाइंड आउट करो, साइड बैंड टू की पावर फाइंड आउट करो, तो उस केस में तुम्हें ये चीज इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, ठीक। साइड बैंड वन की पावर क्या होती, बी सी इंटू म्यू वन स्क्वायर बाई टू। साइड बैंड टू की पावर क्या होती, बी सी इंटू म्यू टू स्क्वायर बाई टू। देखिए पावर ऑफ साइड बैंड वन वो क्या हो जाएगी, बी सी म्यू वन स्क्वायर बाई टू, दैट इज 400 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.4 का स्क्वायर बाई टू। इसी तरीके से साइड बैंड टू की पावर कितनी आएगी, बी सी म्यू टू स्क्वायर बाई टू, दैट इज 400 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर। कितनी आ रही दोनों में, थर्टी टू इंटू 10 टू द पावर 3, 32 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इज 32 किलोवाट। बोलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ टोटल कितनी है, टोटल साइड बैंड पावर देख रहे हैं तो 82 दिख रही है और दोनों साइड बैंड में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ये चीज क्लियरली याद रखना कि तुम्हारी साइड बैंड की पावर होती है वो डायरेक्टली तुम्हारी डिपेंड करती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स वेरी किया साइड बैंड में यूज होने वाली पावर वेरी कर देगी तुरंत, ठीक। अब यहाँ पे अगर तुमसे पी एल एस बी वन पूछा गया होता लोअर साइड बैंड वन की पावर तो वो कितनी हो जाती, 32 डिवाइड बाई 2 16 किलोवाट, ठीक है। और अगर यही अपर साइड बैंड 2 की पावर फाइंड आउट करनी होती तो वो क्या हो जाती, 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16 किलोवाट, सॉरी पावर अगर फाइंड आउट करते तो वो क्या होता है, ये टोटल पावर है इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हाफ ऑफ। इतनी चीजों में किसी को कहीं कोई डाउट, नो सर। तो अब एक पॉइंट और आता है कि भाई पावर हमने फाउंड आउट कर ली, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने देख लिया। अब अगर मान लो तुमसे बैंडविड्थ पूछी जाए, मान लो तुम्हें एक मैसेज सिग्नल दिया है 20 cos 200 पाई टी प्लस 30 cos 500 πt, ठीक। इस मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन हो रहा है, इस मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन हो रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बन रहा है, मॉड्यूलेटेड वेव बन रही है तुम्हारी 100 1 प्लस k mt cos 2 pi into 10 to the power 3 t, ठीक। वैसे ये तुम्हारा मॉड्यूलेटेड वेव बन, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है इस मॉड्यूलेटेड वेव की, ये मल्टीटोन मॉड्यूलेटेड वेव है, इसका बैंडविड्थ क्या, ठीक।
अगर ये सिंगल टोन होता तब तो हमें पता है 2 FM, बट अगर ये मल्टी टोन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2 into FM ना करके 2 into highest, 2 into highest. देखो पहले क्या था, 2 into FM, इसका मतलब क्या है, FM क्या था, हम क्या कर रहे थे, बैंडविड्थ क्या आ रही थी, 2 into message frequency, मैसेज की जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई बाई 2. अब हमने क्या लिखा है, मल्टीटोन जब की बात कर रहे हैं तो 2 into highest frequency. क्यों ऐसा किया, ध्यान से देखो कि भाई देखो पिछली बार जो मैसेज था उसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी थी, तो हम क्लियरली बोल सकते थे कि भैया ठीक है बैंडविड्थ जो हो गई ट्वाइस दी मैसेज फ्रीक्वेंसी हो गई, लेकिन अब यहाँ पे मैसेज के पास एक ही फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो हम वो फ्रीक्वेंसी लेंगे जो हाईएस्ट होगी दोनों. ठीक, अगर हम जैसे ये सोचो कि किसी चीज की वेव 10 सेंटीमीटर है और किसी चीज की वेव 15 सेंटीमीटर है, और लेट्स से इन दोनों चीजों को हमें एक रास्ते से पास कराना, किसी एक रास्ते से पास कराना. ठीक, वेव एक की 10 सेंटीमीटर है और एक की वेव 15 सेंटीमीटर है. ठीक, हम चाहते हैं ये दोनों ही चीजें इजिली पास हो जाए, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो वे या जो चैनल जो हम बना रहे हैं ये चैनल कुछ इस तरह से बने कि भाई मैक्सिमम वाले को पास करा ले, और अगर मैक्सिमम वाला निकल जाएगा, अगर ये 15 सेंटीमीटर जिसकी जो वेव है वो अगर निकल जाएगा तो 10 सेंटीमीटर वाला तो अपने आप ही निकल जाएगा. देखो इस बात को क्लियरली समझना, चैनल बैंडविड्थ का मतलब यही है कि चैनल से तुम एक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो. ठीक, तो कितना स्पेक्ट्रम, कितनी जगह तुम एक्वायर कर रहा है तुम्हारा सिग्नल, हमारा सिग्नल कितनी जगह को एक्वायर कर रहा है, जितनी कम बैंडविड्थ तुम यूज कर रहे हो उतनी कम चैनल बैंडविड्थ यूज करके उतनी कम जगह एक्वायर करके तुम इजीली अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर पा रहे हो ना. हम सभी को पता भाई सारी लड़ाई तो स्पेक्ट्रम के लिए ही है, एक 2G स्पेक्ट्रम में इतना बड़ा घोटाला हो गया था कि आज तक चला आ रहा है ना? तो बैंडविड्थ यहाँ पे क्या होगी, 2 into highest. ये अगर मेरा मैसेज सिग्नल होगा तो यहाँ पे बैंडविड्थ हम क्या लेंगे, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इन हर्ट्ज, तो क्या होगी 100 हर्ट्ज, और ये कितनी है 250 हर्ट्ज. करेक्ट, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 250, तो बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी 2 into 250, दैट इज 500. देखो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो मल्टी टोन, DSBSC हो मल्टी टोन या SSBSC हो मल्टी टोन, कॉन्सेप्ट सब में सेम लगेंगे, पावर निकालने का भी बैंडविड्थ निकालने का भी. ठीक है, बस हाँ चीजें बदलेंगी क्या कि अभी जैसे हम लोग DSBSC की बात करें तो बैंडविड्थ सेम रहेगी 2 into highest frequency. अभी आगे चल के पढ़ोगे कि SSBSC की जो बैंडविड्थ होती है वो FM के बराबर होती है. ठीक है ना, और जब ये FM के बराबर होती है तो अब हम क्या करेंगे, जब मल्टी टोन होगा दैट मींस हम कहेंगे कि बैंडविड्थ जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर. बैंडविड्थ जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर. ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. ठीक, उसमें जो ये AM वेव दी हुई है, ठीक है, एक AM वेव की एक्सप्रेशन दी हुई है, पर डिटरमाइन करना है कैरियर फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स. राइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन. ठीक है, हमें इक्वेशन क्या दी है, Vm is equal to 51 plus 0.8 cos 405. Cos 20.
अब हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है भाई, तो ए सी वन प्लस के ए। अब देखो क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल है यहाँ पे, सिंगल टोन साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो हम वही वाली जनरलाइज इक्वेशन देखेंगे। एसी की वैल्यू कितनी है कंपेयर करके बताओ, फिफ्टी। एफएम कितना है, 400। के इनटू एम की वैल्यू कितनी है, सॉरी एफएम 200 है। हाँ बेटा 200 है। क्या चीज 200 है सर, ये एफएम नहीं सही होगा सर, उसने 400 बोला था। अच्छा अच्छा, के इनटू एम की वैल्यू कितनी है, 0.8। ध्यान रखना जब साइनोसॉइडल सिग्नल की बात करते हैं तो यही तुम्हारा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, एच टी इज इक्वल टू कितना है, 10 हर्ट्ज। ठीक, ये वोल्ट में लिख सकते हो, म्यू की कोई, म्यू तुम्हारा यूनिट लेस है। ठीक है, एक्चुअली के जो होता है इसकी जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी की यूनिट जो है वो वोल्ट इनवर्स होती है, और ए एम की वैल्यू होगी, ए एम की जो यूनिट होगी वो वोल्ट में होगी। एक क्वेश्चन लिखो, करियर सिग्नल इज मल्टी टोन एएम मॉड्यूलेटेड has carrier power kilowatt and the modulation indexes are 0.4 and 0. Sorry, and modulation indexes are 0.4, 0.6, and 0.7. Respectively. Calculate overall modulation index total power and power of individual side bands and power of individual side band. करो सभी लोग एक बार रिज्वाइन कर लो।